गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा 5.3 फिनिश हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4। सी द फर्स्ट सम। फाइव वाटर बॉटल्स कॉस्ट ₹450। वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? फाइव वाटर बॉटल्स की कॉस्ट है ₹450। सो वॉट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 12 सच वाटर बॉटल्स? की 12 वाटर बॉटल्स का क्या कॉस्ट होगा? हमें 5 का कॉस्ट पता है। इसमें हम एक यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि पहले हम 5 से 1 पे जाएंगे, फिर 1 से 12 पे जाएंगे। हम एक स्टेटमेंट और रीड कर लेते हैं, फिर आपको सम्स एक साथ समझ में आ जाएंगे। 13 कैंस हैं हमारे पास पेंट के। 13 कैंस आर नीडेड टू पेंट 65 पोस्टर। 65 पोस्टर बनाने में कितने कैंस लग जाएंगे पेंट के? 13। सो हाउ मेनी सच पोस्टर्स कैन बी पेंटेड विद 19 सच कैंस? तो 13 कैंस से हम जाएंगे पहले 1 पे, फिर 1 से जाएंगे 19 पे। राइट, नाउ यू सी द एग्जांपल। कॉस्ट ऑफ 5 वाटर बॉटल्स 450। तो पहले हमने क्या कहा था, 5 से हम 1 पे आएंगे। कॉस्ट ऑफ 1 वाटर बॉटल निकाल सकते हैं हम डिवीजन मेथड से। बिगर अमाउंट विल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बॉटल्स। सो 450 डिवाइडेड बाय 5 वी विल गेट 90। ये जो 90 रुपीज़ कॉस्ट है, ये कितनी बॉटल्स की आई है? 1 बॉटल की। और हमें कितनी कॉस्ट चाहिए थी? 12 बॉटल्स की। तो हम क्या करेंगे, 1 बॉटल की कॉस्ट को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 12 वाटर बॉटल्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 1080। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमें 5 वाटर बॉटल की कॉस्ट मिली थी, हम 5 से 1 पे आए। हम ज़्यादा से कम पे आ रहे थे, तो हमने डिवाइड मेथड लगाया और हमारे पास 1 की कॉस्ट आ गई। अब हमें 1 से कहाँ जाना है? 12 पे। कम से जब ज़्यादा पे जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 12 वाटर बॉटल्स के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 बॉटल कॉस्ट को 12 से, एंड वी गेट द आंसर ₹1080। सी द नेक्स्ट सम नाउ। 13 कैंस ऑफ पेंट आर नीडेड टू पेंट 65 पोस्टर। 13 कैंस लग जाते हैं 65 पोस्टर्स बनाने में। हाउ मेनी कैंस विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट? नहीं, हाउ मेनी पोस्टर्स कैन बी पेंटेड विद 19 सच कैंस? सी, 13 कैंस कैन पेंट 65 पोस्टर। तो हम पहले 1 कैन का अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। 1 कैन कैन पेंट 65 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 5, यानी कि 1 कैन पेंट 5 पोस्टर्स। तो 19 कैंस कितने पोस्टर्स पेंट कर सकते हैं? जब 1 से 5 हो रहा है तो 19 पोस्टर्स के लिए पोस्टर पेंटेड यूजिंग 19 कैंस इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 95 पोस्टर्स। सो दिस इज द आंसर। सी द नेक्स्ट सम। 12 बॉटल्स ऑफ टोमेटो केचप कॉस्ट ₹960। हाउ मच विल 20 सच बॉटल्स कॉस्ट? 12 की कॉस्ट हमें गिवन है, 20 की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, और इन बिटवीन हम कहाँ जाएंगे, एक बार 1 पे। कॉस्ट ऑफ 12 बॉटल्स ₹960, कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल, डिवीजन मेथड लगेगा, ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं हम, 960 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारी कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल आ गई। अब 1 से हमें कहाँ जाना है, 20 पे। सो कॉस्ट ऑफ 20 बॉटल्स 20 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू ₹1600। सो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट सम हमारा, 5 ड्रॉर्स कैन फिट 45 टी कप्स। मीन्स 5 ड्रॉर्स में 45 टी कप्स हम रख सकते हैं। सो हाउ मेनी टी कप्स वुड फिट इन 15 ड्रॉर्स? 5 ड्रॉर्स में कितने कप हैं? 45। पहले कितनी ड्रॉर पे जाएंगे हम? 1 पे, और 1 से फिर हम आएंगे 15 ड्रॉर्स पे। नाउ सी द स्टेटमेंट। कप्स फिटेड इन 5 ड्रॉर्स इज इक्वल टू 45। कप फिटेड इन 1 ड्रॉर 45 डिवाइडेड बाय 5, टोटल 9 कप्स। अब एक ड्रॉर में 9 कप्स हैं, तो 15 ड्रॉर्स में कितने आएंगे? सो कप्स फिटेड इन 15 ड्रॉर्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 9, दैट इज 135 कप्स। सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। रीताज ईयरली इनकम इज ₹72,000। उसका जो एनुअल इनकम है, वन ईयर इनकम है, वो 72,000 है। हाउ मच विल शी अर्न इन 7 मंथ्स? बच्चे, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। 12 से हम कितने मंथ पे आएंगे? 1 पे, और 1 से जाएंगे हम 7 पे। सी, वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स।
रीता अर्न्स इन 12 मंथ्स और यू कैन से अर्निंग इन 12 मंथ्स इज इक्वल टू रुपीज 72,000. रीता अर्न्स इन 1 मंथ 72,000 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 6,000 रुपीज. अब 1 मंथ की इनकम हमें मिल गई तो हम 7 मंथ्स की इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं. रीता अर्न्स इन 7 मंथ्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6,000. लीनियर मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे आप, सारी जीरो काउंट करके यहाँ राइट कर दीजिए, देन 7 6 42. दिस इज योर आंसर. सी द नेक्स्ट सम. इफ 16 पर्संस यूज 800 ग्राम ऑफ राइस, ठीक है, 16 पर्सन कितना राइस यूज करते हैं, 800. हाउ मच राइस वुड 24 पर्संस नीड, हमें 24 पे जाना है. पहले 16 से कहाँ जाएंगे, 1 पे, 1 से 24 पे. राइस यूज्ड बाय 16 पर्संस 800 ग्राम. राइस यूज्ड बाय 1 पर्सन 800 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 50 ग्राम. 1 पर्सन की रिक्वायरमेंट आ गई तो 24 पर्सन की हम फाइंड आउट कर सकते हैं. राइस यूज्ड बाय 24 पर्संस इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 50. लीनियर मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, पहले जीरो को यहाँ राइट कर लेंगे, फिर 24 को 5 से लीनियरली मल्टीप्लाई करेंगे. 5 4 20 का जीरो कैरी 2 इन द माइंड, 5 2 10 एंड 10 2 12, 1200 ग्राम. सो हमारा 5.4 यहाँ फिनिश होता है. अब आप ये सारे सम्स अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.